नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से नशे का कारोबार अपने पैर पसार रहा है, जिस पर नकेल कसने के लिए यूपी पुलिस लगातार काम भी कर रही है, बल्कि नशे का कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है, जिसकी एक तस्वीर मेरठ में देखने को मिली, जहां पुलिस ने स्मैक माफिया तस्लीम के घर पर कार्रवाई करने के साथ साथ घर की कुर्की भी कर डाली। मेरठ के मच्छरान इलाके में पुलिस की यह कार्रवाई स्मैक माफिया तस्लीम के घर पर हो रही है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस कर्मियों के उस समय होश फाकता हो गए जब तस्लीम के घर में पुलिस को एक तहखाना मिला। माना जा रहा है कि तस्लीम इसी तहखाने में नशे का सामान छिपाकर रखता था। पुलिस का ये भी दावा है कि माफिया के घर पर स्मैक, चरस और अन्य नशे का सामान काफी मात्रा में रखा रहता था। बताया जा रहा है कि तस्लीम के घर के अंदर तो तहखाना बना हुआ है, उसी में वो जाकर छिप जाता था ताकि पुलिस से बचा जा सके। हालात ये हो गए थे कि पुलिस आरोपी को पकड़ भी नहीं पा रही थी, जिससे परेशान होकर पुलिस ने तस्लीम के घर की कुर्की करने का मन बना लिया और उसके घर में रखे सामान को ट्रक में भरकर अपने साथ ले गई। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। माफिया के यहाँ पे कल बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई की गई है, क्या? देखिए, ये तस्लीम नाम का एक अपराधी है, थाना रेवलोड का रहने वाला है और इसके बारे में यही जानकारी है कि ये नशीली दवाइयों का ये व्यापार करता है, नशीले पदार्थों का। ये हमारा वांछित अपराधी है और तमाम कोशिशों के बाद नहीं मिला तो हमने न्यायालय से विधि अनुसार इसका कुर्की आदेश प्राप्त करके इसके आवास, इसके घर की जो है कुर्की करी है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अपराध और अपराध करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, ऐसे कई अपराधी हैं और आपको मालूम है जीरो टॉलरेंस की नीति पर मेरठ पुलिस काम कर रही है इस समय। जो समाज विरोधी जितने भी अपराध हैं उनमें हमारा जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसी क्षेत्र में आपको पता है कि नशे का व्यापार करने वाले या गाड़ियों के अवैध कटान का व्यापार करने वाले या इस तरह के जितने भी अपराधी हैं उन सभी पर हमारी निगाह है और जितना भी जो विधिक रूप से उनको हम दबाव में लेकर कार्रवाई कर सकते हैं वो हम ऐसा प्रत्येक अधिकार का प्रयोग करेंगे जो हमको विधि द्वारा प्रदत्त है। SBCT ने यह साफ कर दिया है कि तस्लीम जैसे अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी खूंखार हो और ताकतवरी क्यों ना हो। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें बीके न्यूज। धन्यवाद।